नमस्कार दोस्तों, होडको शेयर में आज के ट्रेडिंग सेशन में 0.3% की क्लियर आपको तेजी दिखाई दे रही है। तो उसी के साथ देखें तो स्टॉक में एक डोजी कैंडल बन रहा है और पिछले दो दिन से लगातार डोजी कैंडल दिखाई दे रहा है। और यहां पर देखें तो स्टॉक अब एग्जैक्टली लेकर डाउन ट्रेंड में कंटिन्यू करता हुआ नजर आ रहा है। जब इसको ब्रेकआउट करेगा तो स्टॉक में डेफिनेटली तेजी का मूवमेंट रहेगा। सो क्या टारगेट रहेगा, क्या सपोर्ट लेवल रहेगा, सब कुछ समझेंगे इस वीडियो में। क्या यहां पर ऑलरेडी ब्रेकआउट हो चुका है या और कितना टाइम लगेगा, सब कुछ समझेंगे। ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को, तो अच्छा खासा रैली की भी आने की संभावना दिख रहा है। ठीक है, तो आपको समझाता हूँ। तो यहाँ पर अगर नोटिस करेंगे स्टॉक एग्जैक्टली के डाउन ट्रेंड में कंटिन्यू कर रहा है, देखिए राइट। तो जब स्टॉक डाउन ट्रेंड में कंटिन्यू कर रहा है तो बार बार अपना ट्रेल लाइन को रेजिस्टेंस बना के नीचे आ रहा है। तो जब इसको ब्रेकआउट करेगा तो डेफिनेटली तेजी रहेगा। तो अभी जैसा आप देख रहे हैं दोस्तों, एक बार ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे जितने सारे कैंडल बनाए कोई भी इतना कैंडल नहीं है जो ग्रीन कैंडल बनाए, लेकिन अभी इसी हफ्ते एक ग्रीन कैंडल बनाए जो कि हमारे लिए एक पॉजिटिव व्यू क्रिएट कर रहा है, राइट। तो उसी तरह हम यहाँ पर एक सपोर्ट लेवल को भी ध्यान रखते हैं, क्योंकि एक सपोर्ट लाइन ही है जहाँ से स्टॉक सपोर्ट लेके के मूवमेंट बनाया है। तो हो सकता है स्टॉक में यहाँ पे एक तेजी का मूवमेंट आने वाला है, क्योंकि मैक्सिमम स्टॉक में इस तरीके से दिखाई दे रहा है कि स्टॉक अपने सपोर्ट जोन के पास में है और स्टॉक सपोर्ट लेके ऊपर बढ़ रहा है। तो एक पॉजिटिव नजरिया है कि स्टॉक इसको ब्रेकआउट करेगा, एक अच्छी खासी तेजी बनाएगा। तो हमारे सामने जो टारगेट रहेगा यहाँ पर रहेगा जो कि 353.5 का है। तो इसके बीच में जो भी टारगेट रहेगा सब छोटे छोटे टारगेट रहेगा, लेकिन फाइनल टारगेट रहेगा यहाँ पर 353 का, तो ध्यान रखना। बाकी जैसे जैसे यहाँ पर आगे बढ़ता रहेगा हम भी वीडियो के साथ हमें आपके साथ में जरूर शेयर करता रहूँगा। तो अगर ऊपर की साइड में टारगेट के बारे में सोच रहे हैं, टारगेट हमारे सामने 229 का रहेगा। अगर इसको ब्रेकआउट करे तो 253, 253, अगर इसको भी ब्रेकआउट करे तो 301 और नेक्स्ट रहेगा हमारे सामने 353 का, राइट। स्टॉक में कोई भी बाय सेल होल्ड करने की सलाह सुझाव नहीं है, वीडियो एजुकेशन पर्पज में है। धन्यवाद।